नेक्स्ट डेफिनेशन नेक्स्ट डेफिनेशन इज ए प्रिफिक्स प्रिफिक्स की डेफिनेशन प्रिफिक्स देखेंगे तो इसको भी फाइंड करके देखें, जैसे आपने सब स्ट्रिंग निकालना सीखा है वैसे हमें प्रिफिक्स निकालना भी सीखना है तो देखिए कैसे प्रिफिक्स निकालेंगे प्रिफिक्स तो पहला एग्जाम्पल प्रिफिक्स में लेते हैं W इक्व टू टी ओ शी इस पर हम निकाल के देखते हैं तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले इसमें हमेशा स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करना मतलब सबसे जीरो लेंथ की अप्सलॉन सिंगल टी सिंगल टी के बाद टी ओके एंड नाउ मूव टू टी सी. ओ सी तीनों थ्री लेंथ की मतलब वन बाय वन इसमें बढ़ाते जाना है जो आपका दिया हुआ है नाव अगर दूसरा एग्जाम्पल टेक करते हैं इसमें W इक्व टू ए बी सी डी इसके अगर हम प्रिफिक्स निकालें तो अपसलॉन अपसाइलॉन अपसाइलॉन के बाद आपका आएगा सिंगल ए ए बी ए बी सी नाउ ए बी सी डी डॉट इट ओके अगर मैं इसी पे सेम सिंबल पे बात करूं अभी तो आपको दोनों में क्या दिख रहा है डिस्टिंग सिंबल दिख रहा है अगर मैं सेम सिंबल पे बात करूं तीसरा एग्जाम्पल मैं सेम सिम्बॉल पर लेने जा रहा हूं तो अगर आप सेम सिम्बॉल पर देखें तो w इक्व टू मान लीजिए ट्रिपल ए अगर इसका हम प्रिफिक्स निकालें आप सिंगल ए डबल ए नाउ ट्रिपल ए ओके अगर आपको चौथा भी इसमें थोड़ा सा रिपीट करना है फोर लेंथ की देख, देखना है चेक करना है तो फोर लेंथ की भी चेक कर सकते हैं आप सिंगल ए डबल ए ट्रिपल ए एंड फोर फोर टेन तो ये आपकी था ये आपके कैसे निकालते हैं अब ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को नेक्स्ट अब सफिक्स भी निकालना सीख लेते हैं और सफिक्स निकालने के बाद फिर कुछ नोट्स के पॉइंट हैं उन कुछ नोट के पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं नाउ टेक सेकेंड डिफिनिशन सफिक्स द सिक्वेंस ऑफ एंडिंग सिंबॉल द सिक्वेंस ऑफ एंडिंग सिम्बॉल इज कॉल्ड एज सफिक्स द सिक्वेंस ऑफ एंडिंग सिंबल एंड से स्टार्ट करना है तो कैसे निकालेंगे देखिए सफिक्स सेम एग्जांपल जो इस पे लिए थे पहला W इक्व टू टीओ सी इसमें हमेशा एंडिंग सिंबल से स्टार्ट करना तो इसकी पहली सब स्ट्रिंग होगी जो भी स्ट्रिंग आप सफिक्स निकालेंगे जो भी सफिक्स होगा वो टीओ सी है ठीक अब टी हटा दीजिए टी गायब कर दीजिए तो क्या बचेगा ओ सी ना ओ रिमूव तो सिंगल सी सी रिमूव तो अपसलॉन अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं डब्ल्यू इक्व टू ए बी सी डी इसमें फुल, फुल लेंथ से स्टार्ट करिए ए बी सी डी सिंगल ए रिमूव करिए बी सी डी नाउ बी रिमूव तो सी डी नाउ सी रिमूव तो डी नाउ डी रिमूव तो अप, अपसाइलॉन नाओ तीसरा एग्जाम्पल टेक करते हैं सेम सिम्बॉल अभी तो हमने डिफरेंट सिम्बॉल के लिए सफिक्स निकाला है अब हम सेम सिम्बॉल के लिए सफिक्स निकाल के देखते हैं तो डब्ल्यू इक्व टू ट्रिपल ए तो पहले फुल लेंथ से स्टार्ट करेंगे ट्रिपल ए एंड वन ए को रिमूव करिए तो ओनली टू ए एंड नाओ अगेन वन ए को रिमूव करिए तो सिंगल ए नाओ अपसाइलॉन्ग कॉटरेट तो अगर अब इस तरह से आप फोर्थ सिंबल के लिए भी कर सकते हैं तो अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि मतलब प्रीफिक्स कैसे निकालेंगे और सफिक्स कैसे निकालेंगे अगर ये आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए तो अब हम नोट का पहला पॉइंट टेक करते हैं और ये अभी एग्जाम्पल हम इसको लिखे रहने देते हैं और इसी से हम कंक्लूजन निकालेंगे ठीक नोट का फर्स्ट पॉइंट है नोट का फर्स्ट पॉइंट है आपका इफ डब्ल्यू इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन इफ डब्ल्यू इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन इफ डब्ल्यू इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन N, then of to to dash, क्या होगा? कैसे फाइंड कैसे करेंगे एक बार फिर से सुन लीजिए इफ डब्लू इज स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन यहां पे देखिए डब्ल्यू की स्ट्रिंग कितनी है लेंथ थ्री सफिक्स में भी कितनी है लेंथ थ्री देन टोटल नंबर ऑफ प्रिफिक्स और सफिक्स कितने बनेंगे तो आप चेक करिए अगर आपने तीन लेंथ लिया है तो वन टू थ्री फोर बना है अगर आपने फोर लेंथ का प्रीफिक्स लिया है तो वन टू थ्री फोर फाइव बन रहा है आप देखते जाइए फोर लेंथ में फाइव अगर आप सेम सिंबल के भी लेते हैं डिफरेंट सिंबल में लेते हैं सेम सिंबल लेते हैं सेम सिंबल में भी वही कहानी है अगर आप लेंथ तीन लेते हैं तो इसमें भी फोर बने हैं इसी तरह से सफिक्स में चेक कर लीजिए सफिक्स में भी अगर आपने लेंथ थ्री लिया है तो आपके पास कितने टोटल बने हैं फोर तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर मैं बात करूं कि इफ डब्ल्यू इज स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन देन नंबर ऑफ रिफिक्स सफिक्स इक्व एन प्लस वन गॉट इट ओके नाउ लेट्स टेक सेकेंड डिफिनी नोट सेकेंड नोट काफी इंपॉर्टेंट है ये आपको सोचना है सेकेंड नोट में जो बोलूंगा उसके बाद इसी में प्रूफ आपको मिलेगा कैसे प्रूफ मिलेगा इसको हमें किसी एक एग्जाम्पल पे चेक करेंगे गॉट इट सेकेंड पॉइंट एवरी प्रिफिक्स आर सफिक्स एव सॉरी एवरी प्रिफिक्स और सफिक्स एवरी प्रिफिक्स और सफिक्स मस्ट बी अ सब स्ट्रिंग ध्यान सुनिएगा एवरी प्रिफिक्स और सफिक्स मस्ट बी अब स्ट्रिंग बट बट एवरी सब स्ट्रिंग नीड नॉट बी अ प्रिफिक्स और सफिक्स मुझे पूरा यकीन है कि ये पॉइंट अभी आपको बोलने में उतना समझ में नहीं आया होगा जितना एग्जाम्पल पे आ सकता है समझ में चलिए इस पर किसी एक स्ट्रिंग का निकाल के देखते हैं प्रिफिक्स और सफिक्स तो आपके सामने ही हैं। सब स्ट्रिंग निकाल के देखते हैं सबसे पहले हम टी ओ सी की ही सब स्ट्रिंग फाइंड करते हैं टी ओ सी की लेंथ कितनी है इसकी थ्री अगर हम टी ओ सी की सब स्ट्रिंग निकालें तो अब स्लॉन सिंगल टी सिंगल ओ सिंगल सी ध्यान रखिएगा इसी नोट के पॉइंट पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है इसलिए इस क्वेश्चन इस नोट के पॉइंट को सेकेंड नो जो नोट का पॉइंट है इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होके समझिएगा अब स्लॉन टी ओ सिंगल सी नाउ अगर मैं दो लेंथ की बात करूं तो टी ओ सी और थ्री लेंथ की बात करूं तो टी ओ सी अब हम इसमें चेक करेंगे अब हम इसमें चेक करेंगे क्या चेक करेंगे जो हमने पॉइंट बोला है एवरी प्रिफिक्स और सफिक्स मस्ट बी अब स्ट्रिंग बट एवरी सबस्ट्रिंग नीड नॉट बी अ और सफिक्स बट एवरी सबस्ट्रिंग नीड नॉट बी अ प्रिफिक्स और सफिक्स कैसे चेक करते हैं देखिए सबसे पहले प्रिफिक्स में चेक कर लीजिए आप लोग सबसे पहले किस में चेक कर लीजिए प्रिफिक्स में चेक कर लेते हैं ठीक प्रिफिक्स में चेक करते हैं तो अपलॉन मौजूद है यहाँ पे अपसलॉन है आपका यहाँ पे सिंगल टी है ये सिंगल टी है ओके नाउ टी ओ तो टीओ है गॉट इट तो टी ओ सी यहाँ भी, तो भी है तो जितने भी आपके प्रिफिक्स है जितने भी आपके प्रिफिक्स है वो सभी के सभी आपके सभी स्ट्रिंग में मौजूद है ना सफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं टी ओ सी टी ओ सी भी मौजूद है ना ओ सी ओ सी भी मौजूद है सिंगल सी सिंगल सी भी मौजूद है और अब भी मौजूद है आपका भी मौजूद है बट अगर अब आप ध्यान से देखें जो अब अब आपको पॉइंट ही क्लियर हो जाएगा क्या पॉइंट था एवरी प्रिफिक्सिंग है बट एवरी सबस्ट्रिंग नीड नॉट बी अ प्रिफिक्स और सफिक्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओ ये जो ओ है सिंगल ओ वो ना ही प्रिफिक्स में आया है ना ही सफिक्स में आया है ओके okay? तो मुझे पूरा यकीन है कि आप यह सेकेंड पॉइंट नोट समझ गए होंगे आप चाहे तो फोर सिंबल पे भी टेस्ट कर सकते हैं जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका तो वो आपको यह करने के लिए मजबूर करेगा कि आपको दो तीन चार स्ट्रिंग पे पहले सब स्ट्रिंग फाइंड करना है फिर प्रिफिक्स निकालना और सफिक्स निकालना और चेक करना है वॉट इट नाउ थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट की बात करें नोट्स के थर्ड पॉइंट की ट्रीवियल सब स्ट्रिंग इज कॉमन फॉर बोथ ट्रीवियल सबिस्ट्रिंग इज कॉमन फॉर बोथ सफिक्स एंड प्रिफिक्स ट्रीवियल इज कॉमन फॉर बोथ सफिक्स एंड प्रिफिक्स तो अगर हम ट्रीवियल सेविस्ट्रिंग की बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे चेक कर पाएंगे ये पॉइंट ये जो मैंने बोला अभी हाँ देखिए ट्रीवियल सबिस्ट्रिंग क्या होती है आपकी अप्सलॉन और टीओ सी होती है क्या होती है अपसलॉन टीओ सी इसके अंदर भी टी ओ सी और अपसलॉन अपलॉन ठीक तो ये दोनों मौजूद हैं आपकी कहां पे सबस्ट्रिंग पे ऑलवेज ट्रिवियल सबस्ट्रिंग इज कॉमन फॉर बोथ सफिक्स एंड प्रिफिक्स गॉट इट नाउ अब हम देखेंगे इसी पे क्वेश्चन अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आएगा और इसके बाद इसको आपको पहले ट्राई करना है खुद ट्राई करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पहले खुद टेकल करिए खुद सॉल्व करिए मैंने अक्सर फील किया है कि स्टूडेंट इंतजार करने लगते हैं कि टीचर सॉल्व करके बता दे अगर आप सॉल्व करते हो ना तो आप कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ता है इसीलिए थोड़ा से कॉन्सेप्ट को फील करने की कोशिश किया करिए अगर आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर फीलिंग आ गई कॉन्सेप्ट की तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ठीक और हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व किया करिए या कुछ क्वेश्चन बनाया करिए तो हमेशा एक टारगेट दिमाग में नहीं बनाया करिए कि मुझे इसको वहाँ जा करना है या इस एग्ज़ाम में जाके करना है नहीं पहले सीखिए तो सही पहले मज़े तो लीजिए जब एक बार मज़ा आने लग जाएगा ना तो आप बहुत आसानी से कम कर, करने लग जाएंगे अक्सर बच्चों में ये डाउट होता है सर सब्जेक्ट स्टार्ट होता है दिक्कत होती है समझ में नहीं आता है तो कोई भी चीज़ स्टार्ट हो आप किसी भी नई जगह जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो पहले कुछ दिन तक आपको प्रॉब्लम होती है लेकिन जैसे धीरे 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 आप उसको उसमें थोड़े से आप घुलते मिलते हैं सब्जेक्ट के साथ भी घुलते हैं तो ऐसे सब्जेक्ट में भी होता है वैसे आपके रियल लाइफ में भी होता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए क्वेश्चन को पहले आपको ट्राई करना है उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे और कभी भी आपको वीडियो में जो भी आप वीडियो लेक्चर्स में देख रहे हैं कभी भी आपको ऐसी फील नहीं आना चाहिए कि आप क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुझे पिंग करिए कि सर हमें ये वाली फीलिंग नहीं आ रही है जो हमें क्लास में आती है ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रहा है पूरा क्लियर है क्रिस्टल क्लियर गॉट इट तो ये पॉइंट हमेशा रिमेंबर रखिएगा अगर समझ में नहीं आया कोई पॉइंट प्रॉब्लम कर रहा है तो आप तुरंत मुझसे मुझे मैसेज करिए पिंग करिए मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से जैसे क्लास में स्टूडेंट को हैंडल किया जाता है वैसे हम एक हमारी वर्चुअल क्लास में उस तरह से हम हैंडल कर सकें एग्जाम्पल चेक करते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल है नंबर ऑफ नंबर ऑफ नॉट मैचिंग सव स्ट्रिंग इन प्रिफिक्स और सफिक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ सॉरी टोटल नंबर ऑफ नॉट मैचिंग सब स्ट्रिंग टोटल नंबर ऑफ नॉट मैचिंग सब स्ट्रिंग में ओ, एक, मतलब तीन ही वो प्रिफिक्स में आ रहा था ना ही किस में आ रहा था सफिक्स में आ रहा था तो इस क्वेश्चन को आपको पहले फाइंड करना है ट्राई करना है क्या आपको क्वेश्चन है फिर से सुन लीजिए टोटल नंबर ऑफ नॉट मैचिंग सब स्ट्रिंग इन प्रिफिक्स और सफिक्स ये निकालना ओके ना okay, अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एग्जाम्पल टेक करिए सब स्ट्रिंग निकालिए प्रिफिक्स निकालिए और सफिक्स निकालिए ऑटोमेटिक आप धीरे धीरे इसको सीख जाएंगे तो कैसे करेंगे सबसे पहला इसी पे एक स्ट्रिंग टेक करते हैं सबसे पहले दो एक वन लेंथ की स्टार्ट करते हैं सिंगल ए है। अगर मैं सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग से स्टार्ट करूं तो इसी के अंदर जो सब स्ट्रिंग होगी जो सब स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी अपस्लॉन सिंगल ए ठीक दूसरा अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं तो सेम अपस्लॉन सिंगल ए तीसरा अगर मैं सफिक्स की बात करूं तो इसके अंदर भी ए और अपॉन तो अगर मैं वन लेंथ की बात कर रहा हूं तो आपको दिख रहा है जो सब स्ट्रिंग में है वही प्रिफिक्स और सफिक्स में तो सब कुछ मैच कर रहा है नाउ टेक सेकेंड पॉइंट डब्ल्यू इक्व टू ए बी कितनी लेंथ के लिए दो लेंथ के लिए इसमें भी निकाल के देखते हैं फर्स्ट सब स्ट्रिंग क्या निकलेगी स्ट्रिंग एप्सिलॉन सिंगल ए सिंगल बी एंड ए बी ये स्ट्रिंग है दूसरे पॉइंट में दूसरे पॉइंट इसमें प्रीफिक्स फाइंड करते हैं तो अगर हम प्रीफिक्स फाइंड करेंगे तो प्रीफिक्स आएगा इसका एप्सिलॉन सिंगल ए और ए बी ध्यान देना अभी आपने ये मत बोल दीजिए सर प्रीफिक्स में तो आया ही नहीं नहीं उसमें बोला है प्रीफिक्स एंड इन एंड, एंड सफिक्स मतलब दोनों में जो है वो इसमें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह चेक करना है ना थर्ड पॉइंट सफिक्स अगर सफिक्स निकालें तो फुल लेंथ से स्टार्ट करिए ए बी ए काटिए सिंगल बी अब स्लॉन चेक करिए जरा इसमें ए, सब में मैच कर रहा कि नहीं कर रहा अब स्लॉन सिंगल ए ए बी अब स्लॉन सिंगल ए ए बी आ चुका है नाउ ए बी सिंगल बी सब ऑल मैच मतलब दो लेंथ में भी सारा मैच कर रहा है तो अभी धीरे धीरे इससे कंक्लूजन निकालेंगे अगर मैं तीसरी स्ट्रिंग टेक करूं डब्ल्यू इक्व टू क्या स्ट्रिंग टेक करूं ए बी सी अब मैं बार बार ये नहीं लिख रहा मैं सिंपल सा वन टू थ्री लिख रहा हूं अगर मैं सब स्ट्रिंग फाइंड करूं तो सब स्ट्रिंग आएगा अपस्लॉन सिंगल ए सिंगल ए के बाद सिंगल बी सिंगल सी ए बी बी सी और तीन लेंथ में आएगी ए बी सी अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं प्रिफिक्स की तो आप सिंगल ए ए बी ए बी सी ओके वॉट इट ना अगर मैं सफिक्स की बात करूँ तो फुल लेंथ से स्टार्ट करेंगे वन बाई वन काटते जाएंगे बी सी ना बी रिमूव सी एंड अपन ना अगर आप चेक करिए थर्ड लेंथ में तो थर्ड लेंथ में भी मैच करेगा थर्ड के बाद आप फोर्थ भी चेक करके देख लीजिए फोर भी चेक करके देख लीजिए डब्ल्यू इक्व टू ए बी सी डी इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट फाइंड करिए सब स्ट्रिंग पहले आप अप, अप्सलॉन ए बी अपसलॉन के बाद ए सी अपसाइलॉन ए बी सी डी ए बी बी सी सी डी दो लेंथ की हो गई ठीक ना no, अगर मैं तीन लेंथ की बात करूं तो ए बी सी बी सी डी एंड ए बी सी डी ओके नाओ सेकेंड इस पर हम बात करते हैं प्रीफिक्स की तो प्रीफिक्स क्या होगा अफ्साइलॉन सिंगल ए ए बी ए बी सी ए बी सी डी तीसरा अगर मैं सफिक्स बात करूँ तो फुल लेंथ से स्टार्ट करिए ए बी सी डी बी सी डी बी रिमूव करिए सी डी सी रिमूव करिए डी डी रिमूव करिए अपलॉन अब सला नौ अब आपने फोर तक निकाल लिया है मुझे पूरा यकीन है कि की अब शायद इसका फार्मूला धीरे धीरे आप डिराइव कर सकते हैं अगर अभी भी फोर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो मैं पाँचवा भी ले, ले लेता हूँ डब्ल्यू इक्व टू ए बी सी डी ई e. तो इस पर भी चेक कर सकते हैं आप पहला पॉइंट अब ए मतलब सब स्ट्रिंग फाइंड कर रहे हैं ए बी सी डी ई इट नाउ सिंगल सिंगल के बाद आप डबल डबल ए बी बी सी सी डी डी ई नाउ ट्रिपल ट्रिपल ए बी सी बी सी डी सी डी ई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन नाउ थ्री के बाद फोर लेंथ फोर लेंथ में ए बी सी डी एंड बी सी डी ई लास्ट में फुल लेंथ ए बी सी डी ई गॉट इट नाउ अगर हम इसके सेकेंड पॉइंट प्रिफिक्स की बात करें तो प्रिफिक्स अफ्सलॉन सिंगल ए ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई अगर थ्री थर्ड पॉइंट की बात करें सफिक्स की अफसाइलॉन सिंगल सॉरी फुल लेंथ स्टार्ट करते हैं इसमें ए बी सी डी ई सिंग ए रिमूव करिए तो बी सी डी ई बी रिमूव करिए तो सी डी ई सी रिमूव करेंगे तो डी ई डी रिमूव करेंगे तो ई e, रिमूव e करेंगे तो आप गॉट इट चलिए चेक करते चलते हैं अगर हम स्ट्रिंग वन लेंथ की लेते हैं इधर हम लेंथ रखेंगे स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर हम वन लेंथ की स्ट्रिंग लेते हैं तो कितना मैच करता है मतलब प्रिफिक्स और सफिक्स क्वेश्चन क्या था आपका नंबर ऑफ नॉट मैचिंग सब स्ट्रिंग नंबर ऑफ नॉट मैचिंग सब स्ट्रिंग इन प्रिफिक्स और सफिक्स ओके तो पहले लेंथ में देखिए सब मैच कर रहा है तो पहले लेंथ में मैचिंग मतलब नॉट मैचिंग क्या कितनी आई जीरो अगर मैं दो लेंथ की बात करूं तो दो लेंथ में भी सभी कुछ मैच कर रहा है कैसे चेक कर सकते हैं आप ए ए बी ए बी 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 सब मैच कर गया पूरा तो इस पर भी दो लेंथ में भी कितना है आपका जीरो नाउ टेक थर्ड अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में क्या क्या मैच कर रहा है सब पहले अप्सलॉन में इससे मिलाइए अप्सलॉन मिल गया ए मिल गया ए बी मिल गया ए बी सी मिल गया इधर से बी सी मिल गया सिंग, ए बी सी मिल चुका है एंड नाउ सी मिल गया और अप्साइलॉन भी मिल चुका है क्या नहीं मिला इस पर अगर मैं तीन लेंथ की लेता हूं तो बी नहीं मिला मतलब एक एक सब स्ट्रिंग है जो नॉट मैचिंग है ना ही प्रिफिक्स में मिल रहा ना ही सफिक्स में मिल रहा तो आप ये लिख सकते हैं तीन पे कितना है आपका वन गॉट इट नाउ फोर पे चेक करते हैं ए बी सी डी तो अब सैलॉन मिल गया ए ए बी ए बी ठीक ए बी सी ए बी सी बी सी डी बी सी डी नीचे सफिक्स में हो सकता है नो सी डी 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 के बाद सी डी बी सी बी सी नो बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी फुल लेंथ बी सी डी मैच कर गया एंड डी मैच कर गया अब सैलॉन मैच कर गया कितनी स्ट्रिंग बच रही है आपकी जो मैच नहीं कर रही हैं ध्यान से देखिए सी डी है अब सैलॉन है ए है ए बी है ए बी सी है ए बी सी डी है तो पहला इस पे था अभी इसमें एक मिनट चेक करिएगा कि आप फिक्स सब स्ट्रिंग में अपसाइलॉन अप ए बी ए बी के बाद ए बी सी ए बी सी डी ओके नाउ सबसे पहले आप इसमें बस यही मैच करना है कौन कौन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा ए बी सी डी बी सी डी ए बी सी डी डी भी मैच कर चुका है आपका और आपका सिर्फ मैच नहीं कर रहा बी सी बीसी इसमें किसी सफिक्स में नहीं आ रहा ना प्रीफिक्स में आ रहा और बी सी के बाद आपका सिंगल बी सिंगल बी मैच नहीं करेगा और सिंगल सी मैच नहीं करेगा इट बाकी सब कुछ आपका मैच कर रहा है तो कितनी हो गई आपके इसमें अगर हम बात करें तो फोर लेंथ की में फोर लेंथ में तो फोर लेंथ में सबसे पहले इसमें अलग अलग करिएगा सिंगल लेंथ सिंगल लेंथ में कौन कौन सा मैच नहीं किया है आपका सिंगल लेंथ में जो हमारा मैच नहीं किया है वो है बी ऐसे मार्क करिए और सी क्या मैच नहीं किया है बी और सी तो मतलब कितना मैच नहीं हुआ है सिंगल लेंथ में सिंगल लेंथ में मैच नहीं हुआ है दो ठीक अब बात करते हैं डबल लेंथ में डबल लेंथ में कितना मैच नहीं हुआ है सिर्फ एक सिर्फ वन तो कॉमा ऐसे लगाइए ये डबल लेंथ के लिए मतलब दो लेंथ के लिए ओके तो व टू वन ऐसे मैचिंग आपको चेक करनी है गॉट इट नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अगर मैं इस पर बात करूं इस पर तो सब आपका मैच हो चुका है जो मैच कराना था हमें नाउ फिफ्थ पॉइंट पे देखते हैं अगर हमारी लेंथ फाइव हुई अगर स्ट्रिंग की लेंथ फाइव हुई तो कैसे चेक करेंगे फिर से एक बार चेक करिए ए बी सी डी ई और इधर देखते जाइए आप मैच कर गया ए मैच कर गया ए बी मैच कर गया ए बी है ए बी सी ए बी सी भी है ए बी सी डी ए बी सी डी भी है ए बी सी डी ई ना ए बी सी डी ई हो चुका है बी सी डी ई बी सी डी ई ना सी डी ई सी डी ई डी ई डी ई सिंगल ई सिंगल ई और डी ई भी मैच है और अब सैलान तो आपका मैच हो ही चुका है नाओ अगेन टे सबसे पहले इसमें जीरो लेंथ जीरो लेंथ की स्ट्रिंग मैच कर रही है वन लेंथ की स्ट्रिंग वन लेंथ की स्ट्रिंग कितनी मैच नहीं कर रही इस बार चेक करिएगा वन टू थ्री कितनी मैच नहीं कर रही थ्री मैच नहीं कर रही नाउ चेक टू ये मैच नहीं कर रही और सी डी मैच नहीं कर रही टू तो लेंथ में तो टू लेंथ में कितना मैचिंग नहीं है दो मैचिंग नहीं है नॉट मैचिंग नाउ चेक थ्री लेंथ थ्री लेंथ में अगर एक एक ही आपकी बचती है बीसीडी तो थ्री लेंथ में कितना है वन मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको कुछ फार्मूला थोड़ा सा समझ में आने लग गया होगा अगर आप सिक्स लेंथ की बात करें तो सिक्स लेंथ में डेफिनेटली ये होगा अगर आप निकाल के देखिएगा ए बी सी डी ई e, एफ करके देखिएगा तो सिंगल लेंथ की चार स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग मैच नहीं करेंगी ओके डबल लेंथ की दो लेंथ की तीन स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग मैच नहीं करेंगी और ट्रिपल लेंथ की दो नहीं करेगी और फोर लेंथ की वन नहीं करेगी तो अब इससे आप फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं कैसे ड्राइव कर सकते हैं ये सेम फंडा हो रहा है मतलब दो तक जीरो जा रहा है तो अगर मैं अपने फॉर्मूले में ऐसे लिखूं समेशन एन माइनस टू आप चाहे तो एन की वैल्यू टू रख के देखिए तो अगर एन की वैल्यू टू रखेंगे तो हमारा जीरो ही आना चाहिए ओके तो मतलब ये टू के बाद ही स्टार्ट होगा थ्री से ही नॉट मैचिंग स्टार्ट होगा तो अगर हम बात करें एन इक्व टू थ्री तो थ्री माइनस टू करेंगे तो क्या आएगा वन और समेशन ऑफ वन कितना होता है वन ना अगर मैं फोर की बात करूं तो फोर माइनस टू कितना होगा समेशन ऑफ टू होगा और समेशन ऑफ टू मतलब कितना हो गया वन प्लस टू थ्री तो इसमें थ्री आ रहा है नाउ फाइव की बात करें तो फाइव माइनस टू थ्री समेशन ऑफ थ्री कितना होगा वन प्लस टू टू प्लस थ्री आप इनको जोड़ सकते हैं गॉट इट तो मुझे पूरा मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह फार्मूला समझ में आ चुका होगा ठीक है यह फार्मूले पे विशेष ध्यान रखिएगा कैसे हमने इसको डिराइव किया है यह प्रोसीजर है डिराइव करने की पावर ऑफ अल्फाबेट के बारे में बात करेंगे कि पावर ऑफ अल्फाबेट कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा इफ सिग्मा इज एनी अल्फाबेट इफ सिग्मा इज एनी अल्फाबेट देन सिग्मा की पावर के इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एग्जैक्टली के अभी हो सकता है ये डिफिनीशन आपको समझ में ना आई हो तो एक एग्जाम्पल देखेंगे और उससे समझते हैं तो यहां पे मैं एग्जाम्पल कर बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल में सबसे पहले आप सिग्मा को टेक करिए सिग्मा में आप क्या डालिए जीरो कॉमा वन ये मैंने अल्फाबेट ले लिया ओके नाउ इफ सिग्मा इज एनी अल्फाबेट तो सिग्मा अल्फाबेट ले लिए हैं देन सिग्मा की पावर के यहां पे हम के की वैल्यू वन रखते हैं तो सिग्मा की पावर कितना हो जाएगा वन नाउ अगर हम इसमें सिग्मा की पावर वन रखेंगे तो जीरो कॉमा वन ही आएगा तो आगे पढ़िए इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एग्जैक्टली के यहाँ के की वैल्यू कितनी है वन तो यहां एग्जैक्टली वन लेंथ की स्ट्रिंग आएगी सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग है लेंथ की की नाउ नाउ टेक सिग्मा सिग्मा स्क्वायर ओके इसको आप पावर वन डॉट सिग्मा की पावर वन लिख सकते हैं तो अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो फिर से चेक करते हैं जीरो कॉमा वन डॉट जीरो कॉमा वन ओके नाउ अगर इसका अब हम ऑनगेटनेशन uh, करें तो जीरो 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 वन वन जीरो वन वन अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे के की वैल्यू टू है तो आपको जो इस स्ट्रिंग की लेंथ मिलेगी एग्जैक्टली टू मिलेगी कितनी मिलेगी एग्जैक्टली टू नाउ के की वैल्यू आप थ्री टेक करिए के की वैल्यू थ्री लेंगे सिग्मा की पावर क्यूब हो जाएगा तो इस बार इसमें सिग्मा इस स्क्वायर वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो डॉट सिग्मा तो आप ध्यान से देखिएगा जीरो 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 वन वन जीरो वन वन ओके नाउ सिग्मा डॉट जीरो कॉमा वन अब अगर आप इसमें आप कॉन्केटिनेशन करना चाहेंगे तो आपको मिलेगा थ्री लेंथ की मिलेगी देखिए कैसे मिलेगी जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन यहाँ तक हुआ नाउ वन जीरो जीरो वन ज़ीरो वन अगर मैं वन वन के साथ करूंगा तो वन वन जीरो वन 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 अब आप ध्यान दीजिए इधर के एक क्वेश्चन टू थ्री लिया तो आपको एग्जैक्टली exactly लेंथ क्या मिल रही है यहाँ पे थ्री 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 तो अगर आप यहाँ पे सिग्मा की पावर फोर अगर लेंगे तो फोर लेंथ की मिलेगी अगर आप फिफ्थ लेंगे तो फाइव लेंथ की स्ट्रिंग मिलेगी गॉट इट ना no. अगर आपको पावर ऑफ अल्फाबेट क्लियर हो गया है तो अब हम नेक्स्ट डिफिनीशन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट डिफिनीशन है हमारा पॉजिटिव क्लोजर यहीं से अभी स्टार्ट होगी पॉजिटिव क्लोजर और क्लीन क्लोजर की ध्यान रखिएगा पॉजिटिव क्लोजर और क्लीन क्लोजर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ओके नाउ पॉजिटिव क्लोजर एंड क्लीन क्लोजर पॉजिटिव क्लोजर और क्लीन क्लोजर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अभी आप आगे जब देखेंगे कि इसका इसका सबसे ज्यादा यूज होता है पॉजिटिव क्लोजर पॉजिटिव क्लोजर पॉजिटिव क्लोजर को जो डिनोट करते हैं वो सिग्मा प्लस से डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं सिग्मा प्लस से ना no. सिग्मा प्लस की डिफिनेशन क्या होती है चेक करते हैं सिग्मा प्लस इक्व टू होता है सिग्मा की पावर वन यूनियन सिग्मा की पावर टू यूनियन सिग्मा की पावर थ्री डेड सिग्मा की पावर एन ओके टर्म्स में जा सकता है यूनियन लगा दीजिए टर्म्स में किस में जा सकता है टर्म्स में Now, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कभी भी पॉजिटिव क्लोजर निकालेंगे पॉजिटिव क्लोजर जो निकालेंगे वन से मतलब मिनिमम वन लेंथ की स्ट्रिंग होनी चाहिए इसका मतलब ये हुआ जब भी कभी आपसे पॉजिटिव क्लोजर की बात की जाए मान लीजिए आपने सिग्मा इक्वल टू जीरो का क्या होगा उसमें वन लेंथ की स्ट्रिंग भी होगी टू लेंथ की होगी थ्री लेंथ की भी होगी फोर लेंथ की भी होगी मतलब इनफाइनाइट लेंथ की मतलब जहां तक जाएगी वो इसीलिए डेडरेस्ट कर दिया है कहने का मतलब यह हुआ कि यहां यूनियन आई की वैल्यू वन से स्टार्ट होगी और ये कहां पे जाएगा सिग्मा इक्व टू आई फिर ये इनफाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट रहेगा क्या रहेगा इनफाइनाइट इनफाइनाइट लेंथ मतलब कहने का मतलब तो ये हो गया कि जीरो और वन से बनने वाली सारी स्ट्रिंग जितनी भी हैं आपकी जीरो और वन से बनने वाली सारी स्ट्रिंग ठीक तो ये इस तरह से ये आगे मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जीरो वन से बनने वाली सारी स्ट्रिंग ध्यान रखिएगा यहां पे जीरो लेंथ स्ट्रिंग नहीं है पॉजिटिव क्लोजर मिनिमम वन लेंथ स्ट्रिंग से स्टार्ट होता है किससे स्टार्ट होता है वन लेंथ स्ट्रिंग से यह बात ध्यान रखिएगा ओके नाउ नेक्स्ट है आपका क्लीन क्लोजर नेक्स्ट है क्लीन क्लोजर क्लीन क्लीन क्लोजर क्लीन क्लोजर में हम देखेंगे इसको हम सिग्मा स्टार डिनोट करेंगे किससे डिनोट करेंगे सिग्मा स्टार से नाउ सिग्मा स्टार टू होगा सिग्मा की पावर जीरो मतलब इसके अंदर जीरो लेंथ की भी स्ट्रिंग होगी जीरो लेंथ इन द सेंस के की वैल्यू जीरो के की वैल्यू क्या है यहां पे जीरो तो आप अगर एम स्ट्रिंग की बात करें हमने पहले भी पढ़ा है कि जो आपकी एम स्ट्रिंग होती है उसको किससे डिनोट करते हैं आप साइलॉन से डिनोट करते हैं ओके तो इस बार यहां पे क्या इंक्लूड हो जाएगा आपका आप साइलॉन इंक्लूड हो जाएगा तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस और सिग्मा प्लस में यूनियन क्या कर दीजिए अपसाइलॉन अगर आप यूज़ करते हैं इसमें तो ये क्या बन जाएगा सिग्मा स्टार इससे एक तरह से और लिखा जा सकता है सिग्मा इक, ध्यान रखिएगा जो अपलॉन है वो जीरो की स्ट्रिंग को बताने के लिए एम टी एम टी स्ट्रिंग ठीक किसकी बताने के लिए है ये एम टी स्ट्रिंग के लिए अगर आपकी एम टी स्ट्रिंग है तो उसको बताने के लिए ध्यान रखिएगा ये बात विशेष स्पेशली रिमेंबर याद रखिएगा कि जो अप्सलॉन है आपका वह एमटी स्ट्रिंग बताने के लिए है लेकिन अगर इस सेट की लेंथ निकालेंगे ये जो सेट बनाया है इसकी लेंथ निकालेंगे तो इसकी लेंथ जीरो नहीं आएगी ये बात ध्यान रखिएगा अभी आगे इस चीज़ को मैं और डिस्कस करूँगा अप्सलॉन के बारे में कि क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से फ्रेम होते हैं तो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है ये आप आपको बहुत आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ठीक नाउ तो अगर हम इसमें बात करें कि फंडा इसका क्या रहेगा तो सिग्मा स्टार इक्व टू आपका रहेगा सिग्मा की पावर जीरो मतलब जीरो लेंथ स्टार्ट होगा यूनियन वन यूनियन सिग्मा की पावर टू डेड डेड ओके नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके तो इसमें अगर हम ध्यान रखें जो पीछे बनाए थे यूनियन आई ग्रेटर देन इक्व टू जीरो एंड सिग्मा की पावर आई आप ये लिख सकते हैं ओके अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं एग्जाम्पल कैसे जैसे अभी मैंने आपको ये सिग्मा की पावर जीरो कॉमा वन लिया था इसी पे एग्जाम्पल देखते हैं देखिए चलिए एग्जाम्पल ना अगर मैं सिग्मा यहां पे जीरो कॉमा वन लेता हूं तो इसका सिग्मा प्लस क्या होगा इसका क्या सिग्मा प्लस क्या होगा तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर हम सिग्मा प्लस निकालते हैं तो जीरो कॉमा वन से बनने वाली सारी स्ट्रिंग होगी सारी लेंथ की स्ट्रिंग होगी एक्सक्लूडिंग अपसलॉन एक्सक्लूडिंग अपसलॉन ना देखिए कैसे करेंगे अगर इसमें निकालें तो सिंगल जीरो सिंगल वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो, वन जीरो वन ये दो लेंथ की हो गई ट्रिपल जीरो मतलब हर लेंथ की इसके अंदर मौजूद होगी ये डिफिनेशन याद रखिएगा वन लेंथ की टू लेंथ की थ्री लेंथ की फोर लेंथ की सभी इनफाइनाइट ना अगर इसमें हम सिग्मा स्टार निकालें इसका तो सिग्मा स्टार में क्या इंक्लूड हो जाएगा अपसलॉन अप्साइलॉन के बाद जीरो वन बस अंतर इतना सा है सिग्मा प्लस और सिग्मा स्टार में कि सिग्मा स्टार में अफ्सलॉन जुड़ जाए अफसलॉन यही रीजन है कि अब सिग्मा स्टार को आप यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते हो क्या बोलते हो यूनिवर्सल लैंग्वेज अगर मैं कभी बोलूं कि सिग्मा स्टार तो आप सीधा ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जीरो वन से बनने वाली सारी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग अपसलॉन अगर मैं सिग्मा प्लस बोलूं, सिग्मा प्लस बोलने का मतलब है जीरो वन से बनने वाली सारी स्ट्रिंग एक्सक्लूडिंग अपसलॉन गॉट इट ओके नाउ okay. थर्ड पॉइंट किसी में मैं ये दो पॉइंट हो गए आपके ये फर्स्ट पॉइंट था पॉजिटिव क्लोजर सेकेंड पॉइंट था क्लीन क्लोजर नाउ थर्ड पॉइंट में मैं बात करूंगा थर्ड पॉइंट की थर्ड पॉइंट बहुत ही आसान है आपका थर्ड पॉइंट में हम ये देखते हैं कि सिग्मा स्टार कैसे ऑब्टेन करते हैं आप सिग्मा प्लस यूनियन अब या सिग्मा की पावर जीरो भी कर सकते हैं नाउ इसी तरह से इसी से निकल के आया कि जो सिग्मा प्लस है वो सबसेट है किसका सिग्मा स्टार का ज़िए? किसका सबसेट है सिग्मा स्टार का अगर आप सिग्मा प्लस यूनियन सिग्मा स्टार करेंगे तो आपको क्या मिलेगा सिग्मा स्टार मिलेगा क्या मिलेगा सिग्मा स्टार अगर आप सिग्मा प्लस इंटरसेक्शन सिग्मा स्टार करेंगे तो क्या मिलेगा हमें सिग्मा प्लस ये दो पॉइंट आप स्पेशली रिमेंबर रखिएगा ओके okay. कैसे करेंगे सिग्मा प्लस यूनियन सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार ठीक और अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं सिग्मा प्लस और इंटरसेक्शन सिग्मा स्टार तो आपको क्या मिलेगा सिग्मा प्लस ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट की तरफ थोड़ा सा आगे मूव करेंगे फोर्थ पॉइंट थ्योरी आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसको थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेट कर सकें फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट में यह बताया गया है सिग्मा इक्व टू इसके अंदर जो भी आप लेंगे ये सेट ऑफ ऑल इनपुट सिंबल कहलाएगा क्या कहलाएगा सेट ऑफ ऑल इनपुट सिंबल क्या कहलाएगा सेट ऑफ ऑल इनपुट सिंबल जो आपके कीबोर्ड में होते हैं किसमें होते हैं कीबोर्ड में कीबोर्ड में ओके इसी से हम क्या बनाएंगे सिग्मा प्लस अगर बनाते हैं अगर हम सिग्मा प्लस बनाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे यह रहेगा आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग क्या रहेगा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग जनरेटेड जनरेटेड फ्रॉम जनरेटेड फ्रॉम सिंबॉल जनरेट फ्रॉम सिम्बॉल्स ऑफ सिग्मा किससे जनरेट किया गया है सिग्मा से जनरेट किया गया है अगर हम इसी की आगे बात करें तो सिग्मा स्टार की बात करें तो सिग्मा स्टार में क्या हो जाएगा सिग्मा प्लस यूनियन अफसाइलॉन गॉट इट तो इसको हम क्या बोलेंगे सेट ऑफ ऑल इनपुट स्ट्रिंग बोल देंगे फिर सेट ऑफ ऑल इनपुट स्ट्रिंग सेट ऑफ ऑल इनपुट स्ट्रिंग बोल देंगे नो अगर हम इसको थोड़े से उसमें बात करें कि ये कैसे अब आपको इनपुट दिखेगा तो अगर आप इनपुट देते हैं ये सेट सेट ऑफ ऑफ ऑल ऑल इनपुट स्ट्रिंग है जिसको आपने इनपुट दिया किसमें दिया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में दिया आपने किसमें दिया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में तो आपको क्या मिलेगा रिस्पॉन्स मिलेगा आप जो भी कीबोर्ड से देते हैं वो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग होता है सेट ऑफ ऑल इनपुट स्ट्रिंग होता है कहां देते हैं आप किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में देते हैं तो आपको क्या मिलता है वहां से Response मिलता है गॉट इट ये आपकी फोर्थ फोर्थ पॉइंट था आपके लिए इसको फोर्थ पॉइंट डाल दीजिएगा नाउ अगर मैं आपसे बात करूं कि सिग्मा स्टार सिग्मा इस, इसका मतलब ये हो गया कि कोई जरूरी नहीं कि आप ऑलवेज सिग्मा स्टार इनपुट दे रहे हैं हमेशा सिग्मा स्टार या इसका सबसेट या इसका सबसेट भी आप देंगे इनपुट स्ट्रिंग में जाएगा तो भी आपको क्या मिलेगा रिस्पॉन्स मिलेगा ओके नाउ फिफ्थ नोट की बात करेंगे किसकी बात करेंगे अब फिफ्थ नोट की फिफ्थ नोट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये आप इसको रिमार्क करके रखिएगा फिफ्थ नोट फिफ्थ नोट इसमें आप फाइव स्टार डाल के रखिएगा पांचवे नंबर के नोट जो आपके सामने आएगी अभी स्क्रीन पे ना देखिएगा पढ़िएगा एम टी स्ट्रिंग ऑफ स्लॉन इज नॉट जनरेटेड बाय एनी सिंबल ऑफ एनी अल्फाबेट एक बार फिर से देखेंगे एमटी स्ट्रिंग ऑफ स्लॉन इज नॉट जनरेटेड बाय एनी सिंबल ऑफ एनी अल्फाबेट इसका मतलब यह हुआ एमटी स्ट्रिंग ऑफ स्लॉन कोई भी किसी भी अल्फाबेट के द्वारा जनरेट किया गया अल्फाबेट सिंबॉल नहीं है तो फिर क्या है सर जी फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इसी में सेकेंड देखेंगे एमटी स्ट्रिंग ऑफ स्लॉन डज नॉट कंटेन एनी सिंबॉल एमटी स्ट्रिंग ऑफ स्लॉन डज नॉट कंटेन एनी सिंबॉल मतलब अफ स्लॉन जो है वो कोई भी सिंबल को कंटेन नहीं करता है तो क्या करता है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अफसलॉन जो है वो एमटी स्ट्रिंग बताने के लिए है ठीक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे क्वेश्चन आएगा आपका जिसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी होती है कुछ बुक वाले उसमें कुछ और बताते हैं कुछ बुक वाले और बताते हैं और कुछ यूट्यूबर कुछ और उसमें बताते हैं अलग अलग टाइप के यूट्यूबर हैं जिसमें उसमें डिफाइन किया गया है तो कई बार स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पांचवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा ये ये आपको नेक्स्ट जब वीडियो क्वेश्चन करवाएंगे तो ये मैं पॉइंट को वापस से उठाऊंगा ध्यान रखिएगा इससे उस पार्ट को रिलेट करिएगा और मैं उसमें आपको दोनों तरीके समझाऊंगा कि क्या सही है क्या नहीं है क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं एक बार फिर से देखते हैं एम टी हिस्ट्रिंग ऑफ स्लॉन इज नॉट जनरेटेड बाई एनी सिंबॉल ऑफ एनी अल्फाबेट एमटी स्ट्रिंग ऑफ स्लॉन डज नॉट कंटेन एनी सिंबॉल तो फिर नेक्स्ट पॉइंट इररिस्पेक्टिव ऑफ अल्फाबेट सिग्मा द एम्प्टी स्ट्रिंग ऑफ स्लॉन इज एडेड फॉर सेट ऑफ सिग्मा प्लस टू गेट सिग्मा स्टार फिर एक बार सुन लीजिए जो आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग ऑफ स्लॉन है ये कोई सिंबल कंटेन नहीं करता है ये किसी अल्फाबेट के द्वारा जनरेट नहीं किया जाता है ये किसी अल्फाबेट के द्वारा नहीं बनता है ध्यान रखिएगा तो फिर करते क्या है तो बस इतना सा फंडा होता है इसका कि हम उससे बनाते जो अल्फाबेट्स हमें मिलता है वो सिग्मा प्लस मिलता है तो हमें सिग्मा स्टार बनाने के लिए मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाने के लिए एम टी स्ट्रिंग ऑफ को जोड़ना पड़ता है मतलब इसका हमें यूनियन करना पड़ता है किसमें यूनियन करना पड़ता है सिग्मा प्लस में गॉट इट